सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही जबरदस्त गोला कबाब कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूं हैं। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए हम देखते हैं कि गोला कबाब किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमने गोला कबाब बनाना है, उसके लिए जो हमें चीजें दरकार होंगी वो ये हैं। हमने 500 ग्राम जो है कीमा ले लिया है चिकन का। इसी चिकन के अंदर हमने दो दरमियानी साइज की प्याज, 5 से 7 हरी मिर्चें लेकर चॉपर में चॉप कर लिया है और कीमा बना लिया है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, बेसन पाउडर, बेसन 2 टेबलस्पून, बादाम पाउडर 1 टेबलस्पून, पिसा भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, कोकोनट पाउडर यानी के नारियल पाउडर जो हमने वो 1.5 चम्मच लेना, आप 1 या 1.5 चम्मच ले सकते हैं, नमक 1/2 चम्मच, हसबे जायका आपने इस्तेमाल करना है, हल्दी 1/4 टेबलस्पून, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच जो है हम पिसा हुआ साबुत धनिया लेंगे, 1 चम्मच हम जाफल जावित्री का पाउडर लेंगे, और 1/2 चम्मच जो है वो हम गरम मसाला लेंगे। चलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कीमे में ये तमाम मसालों को मिक्स करेंगे और गोला कबाब बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम इसकी कढ़ाई बनाएंगे। चलिए अब मिक्स करते हैं। ये देखें, मैंने कीमे का जो है वो बाउल में निकाल लिया है। आपने इस तरह का एक खुला बर्तन ले लेना है ताकि जो मसाले हैं वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जाफल जावित्री, सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक, नारियल पाउडर, बादाम का पाउडर, बेसन, अदरक लहसुन 1 चम्मच। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सीख लेंगे और उसके ऊपर इसको गोला बनाएंगे। आपको मैं सीख पर भी बनाना सिखाऊंगी और चम्मच पर भी बनाना चाहूंगी। आप घर में कोई भी जो न्यू पेंसिल है उसके ऊपर भी इसको रखकर बना सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट सुराख करना है। चलिए आप इसके गोले बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सीख धो ली है। धोने के बाद हमने इसको अच्छे से खुश कर लिया। अब हम कीमा लेंगे। आपने जितने भी साइज का गोला बनाना है वो आप देख लीजिएगा। इस तरह आपने कीमा लेकर इसको हाथों पे गोल कर लेना है। ये देखें, अब हमने गोल कर लिए। गोल करने के बाद ये मैंने सीख पर लगा दिए। बस आपने इस तरह इसको शेप देते जाना है। अब ये मैंने अच्छे से जो है इसके ऊपर कर लिया है। अब हम इसको सीख से निकाल लेंगे। बस हमारा मकसद इस तरह इसमें सुराख करना है। अब मैं इसी तरह सारे इसके ऊपर लगा लूंगी और फिर जो एक है मैं आपको वो चम्मच की डंडी के साथ भी बनाना सिखा दूंगी। जिनके पास सीख नहीं है वो चम्मच की बैक साइड की मदद से भी गोला कबाब बना सकता है। चलिए अब हम चम्मच की मदद से बनाते हैं। ये देखिए, जिस तरह हम कोफ्ता बनाते हैं उस तरह इसको अच्छे से हमने गोल पेड़ा बना लिया। अब मैं चम्मच की बैक साइड लूंगी। ये देखिए, चम्मच की बैक है। बस अब ये इस तरह इसका सुराख हो गया और अब हम इसको रख देंगे प्लेट में। अब मैं इसी तरह अपने तमाम गोला कबाब रेडी कर लूंगी। अच्छा जी, ये देखें व्यूअर्स, हमारे गोला कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे,
कढ़ाई के लिए हम मसाला बनाएंगे और चलिए देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगी और साथ में हम क्या करेंगे, इन्हीं गोला कबाब को 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं और साथ में कढ़ाई का मसाला तैयार करते हैं। ये आप देख लें कि इसके अंदर जो सुराख हैं वो आसानी से नजर आ रहे हैं, मैंने इसलिए प्लेट को थोड़ा सा ऊंचा किया है ताकि आपको अच्छे से इसके जो सुराख हैं वो नजर आ जाए। चलिए व्यूअर्स, अब गोला कबाब कढ़ाई की ग्रेवी रेडी करते हैं। ग्रेवी आपने अपने मुताबिक रखनी है लेकिन हम उतनी ही रखेंगे जितनी की कढ़ाई में होती है नॉर्मल सी। मैंने एक प्याज लिया है, इसको गोल्डन ब्राउन करके हल्का सा लाइट सा, और फिर मैंने इसकी पेस्ट बना ली है पानी डालकर। तो मैं प्याज की पेस्ट इस्तेमाल करूंगी, आप चाहे तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच हम लेंगे, 1 टमाटर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, नमक हसबे जायका मैं 1/2 चम्मच लूंगी, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला हम 1/2 चम्मच लेंगे। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी को रेडी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगी, गोला कबाब को फ्राई कर लूंगी। चलिए अब गोला कबाब को फ्राई करते हैं। एक फ्राई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है जिसके अंदर हम अच्छे से अपने गोला कबाब को फ्राई कर सकें। चलिए अब हम एक एक करके इसके अंदर आधे में एक दफा फ्राई कर लूंगी, आधे में एक दफा कर लूंगी। अब हम इसको दोनों तरफ से तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ये आप जैसा कि देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं चिपके, ये आसानी से टर्न हो रहे हैं। वक्फे वक्फे से हम इसको दोनों तरफ से इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और फिर जो नेक्स्ट हैं वो इसके अंदर ऐड करके इसको गोल्डन कर लेंगे। अब ये रेड हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें, अब मैंने उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज की पेस्ट डाल दी है, मैंने एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अब जब तक ये पेस्ट जो है वो पक रही है, हम इसके अंदर एक टमाटर भी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढाम कर रख देंगे ताकि जो हमने इसमें टमाटर डाला है और प्याज की पेस्ट है वो अच्छे से पक जाए। 1 मिनट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं ताकि जो आपकी नीचे की ग्रेवी है बहुत ही अच्छे से बने। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला। अभी 1/2 गरम मसाला मैं इसमें डालूंगी, 1/2 जो है वो मैं गार्निश के लिए बचा दूंगी। ये जितने भी हमने मसालों की क्वांटिटी इस्तेमाल की है वो आधी क्वांटिटी इस्तेमाल की है, क्योंकि हमारे गोला कबाब में ऑलरेडी सारे मसाले हैं, हमने जस्ट नीचे ग्रेवी को टेस्ट देने के लिए मसाले ऐड किए हैं। 1 से 2 मिनट हमने इसको करना है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मसाले ने घी छोड़ दिया है, ये हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है, तो मैं एक एक करके इसके अंदर गोला कबाब शामिल करती जाऊंगी। ये देखें, अब हम इसमें 1 से 2 मिनट
गोला कबाब ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा घी ना छोड़ दे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसने किनारों से जो है वो घी छोड़ दिए, ये देखें। अब हम इसे आधे मिनट के लिए जो है ढांप कर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो घी छोड़ दे। ये देखें व्यूअर्स, अब इन्होंने अच्छे से जो है वो घी छोड़ दी है। ये देखें व्यूअर्स, हमारी गोला कबाब कढ़ाई नियर टू रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इसमें पानी डालेंगे ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो अच्छे से बैठ जाए। तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया। ये मैंने इसलिए भी किया ताकि जो ग्रेवी का नमक मिर्च है या मसाला जो हमने ग्रेवी का रेडी किया वो इसमें अच्छे से रच जाए। अब हम इसको एक मिनट के लिए ढांक कर रखेंगे। अब एक मिनट तक हम इसको ढांक के रखेंगे और बाद में हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी डिश मुकम्मल तौर पर रेडी हो गई है। एक मिनट हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पानी हमने डाला था वो आधा हो चुका है। हमारी गोला कबाब की डिश जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारी गोला कबाब कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। हमने इसको थोड़ा सा अदरक के साथ, जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया, हरी मिर्चों और एंड पर जो है मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल करके गार्निश किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।